वो चाइना आयशा प्लानिंग। है, वो मेरी जान है। मैं आयशा को लेने जा रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान। अभी मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा सब फॉर्म है, आपको दिखा देता हूँ अभी मैं। और मैं उनसे निकाह करने जा रहा हूँ और उनको अपनी बेगम बना के बॉम्बे वापस लेके आने वाला हूँ। आयशा के साथ आपकी मुलाकात कैसी हुई और ये कॉन्सेप्ट आपका कैसे आया, कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, जब से उनका वीडियो वायरल हुआ है लता जी का, जब से मैं उनको देख के बहुत एक्साइटेड हो गए हैं। आप ये कह सकते हैं मैं बहुत पागल हो गए हैं। और मैंने ठान लिए कि कुछ भी हो जाए, कोई भी ताकत मुझे रोके, मैं आयशा से निकाह करके लेके आऊँगा। इसलिए मैंने उनको मेहर 15 लाख रुपए देने का भी फैसला किया है। जो आपको पता होगा मुस्लिम समाज में मेहर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मेहर एक्चुअली जो लड़की होती है उसकी सेफ्टी के लिए एक अमाउंट होता है कि इनकेस खुदा ना खास्ता कभी आप लोग अगर अलग होते हैं तो उसकी सेफ्टी अमाउंट होता है, जो लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उसको तय करते हैं। तो मैंने वो 15 लाख रुपए देने का आयशा को फैसला किया है, वो 15 लाख रुपए मेहर के। वो आयशा है, वो मेरी जान है। मैं आयशा को लेने जा रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान। अभी मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा सब फॉर्म है, आपको दिखा देता हूँ अभी मैं। और मैं उनसे निकाह करने जा रहा हूँ और उनको अपनी बेगम बना के बॉम्बे वापस लेके आने वाला हूँ। आयशा के साथ आपकी मुलाकात कैसी हुई और ये कॉन्सेप्ट आपका कैसे आया, कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, जब से उनका वीडियो वायरल हुआ है लता जी का, जब से मैं उनको देख के बहुत एक्साइटेड हो गए हैं। आप ये कह सकते हैं मैं बहुत पागल हो गए हैं। और मैंने ठान लिए कि कुछ भी हो जाए, कोई भी ताकत मुझे रोके, मैं आयशा से निकाह करके लेके आऊँगा। इसलिए मैंने उनको मेहर 15 लाख रुपए देने का भी फैसला किया है। जो आपको पता होगा मुस्लिम समाज में मेहर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मेहर एक्चुअली जो लड़की होती है उसकी सेफ्टी के लिए एक अमाउंट होता है कि इनकेस खुदा ना खास्ता कभी आप लोग अगर अलग होते हैं तो उसकी सेफ्टी अमाउंट होता है, जो लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उसको तय करते हैं। तो मैंने वो 15 लाख रुपए देने का आयशा को फैसला किया है, वो 15 लाख रुपए मेहर के।